बोला डोंट बी स्टूपिड राइट योर फिल्म। वो इतना गुस्सा था कि 1,20,000 मेरा हाथ से चला गया, वो भी गुस्सा फिल्म में आया। तो एक आदमी को मारने का इतना, दो आदमी को मारने का इतना, तीन को इतना, और होली दिवाली पे मैं फेस्टिवल डिस्काउंट देता हूँ। जिनको काम नहीं मिला वो भी उतना ही भूखा है, जिनको काम मिला वो भी उतना ही भूखा है, क्योंकि पैसा था नहीं किसके पास। पहले सिनेमा का पूरा वो चला था, उसमें नसीर हैड मेड अ बिग मार्क, होम हैड मेड अ बिग मार्क, यू नो। ये ना थिंग चाय वाय पे भी मतलब राशनी होती थी सब चीज पे, राशनी मतलब क्या, हर चीज पे होती थी। जाने भी दो यारो, जाने भी दो, In fact, many people started off with this film. I think it was one of your first yes, films. Pankaj Kapoor, one of his first films. In fact, Neena Gupta and Binod Pradhan. किया था, काम किया है। लेकिन recognized works में, I think हम सबकी first film है। You gave up Gandhi for this film, right? What exactly the story? No, I gave up Gandhi to write this film. You're supposed to assist on the film? नहीं, वो क्या है कि वो बहुत गांधी के लिए मैं बहुत struggle कर रहा था वहाँ। वहाँ assistant director बनना मतलब वो बोलते थे आप assistant director हैं, लेकिन आप basically crowd control करते हैं। आपका काम क्राउड कंट्रोलर है, क्योंकि आप लोकल आदमी हैं, लोकल क्राउड है, तो आप भाषा समझ के कर लेंगे। तो काम ये था, 6 महीने का असाइनमेंट था। तो 6 महीने में, तब 1981 की मैं बात कर रहा हूँ या 1980 की बात कर रहा हूँ जब शूटिंग हुई थी, तो आपको 10,000 रुपया पर मंथ दे रहे थे वो, और 10,000 अलाउंस दे रहे थे 6 महीने का, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड यू आर 15,000 फॉर दिस मूवी, द एंटायर थिंग 15,000। तो मैंने सईद मिर्ज़ा को बोला कि यार मैं क्या करूं, बहुत दुविधा में हूं, एक तरफ ये ऑफर है और एक तरफ मुझे फिल्म लिखनी है, तो क्या करूं। बोला डोंट बी स्टूपिड राइट योर फिल्म। वो इतना गुस्सा था कि 1,20,000 मेरा हाथ से चला गया, वो भी गुस्सा फिल्म में आया, क्योंकि एक अलग लेवल पर, क्योंकि वो सेक्रीफाइस किया करना पड़ा। वो बोला यार तुम फिल्म लिखो अपनी, तब थोड़ी मालूमगा कि क्या होगा इस फिल्म का। Okay, and Vinod Pradhan, so many people you've got, like Sudhir Mishra was part of it. In fact, Naseer's name is based on Vinod Chopra, Vidhu Vinod Chopra, and Ravi Vaswani's name is based on Sudhir Mishra. That must have been very interesting. And Vinod Chopra was your production controller. Vinod Chopra, hum dost the. Main, Renu, Vinod Chopra, Saeed Mirza, Om Puri, Naseer, kyunki wo institute se the, unhone Albert Pinto mein kaam kiya hua tha, maine unke saath kaam kiya hua tha, to ek alag, alag, aur kya sab struggler the. जिनको काम नहीं मिला वो भी उतना ही भूखा है, जिनको काम मिला वो भी उतना ही भूखा है, क्योंकि पैसा था नहीं किसके पास। तो सब साथ में थे। तो विनोद चोपड़ा के लिए मैंने प्रोडक्शन किया था, उसकी जो फिल्म जब बनी सजाए मौत, तो उसने बोला मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रोडक्शन संभाले, मैं करता हूँ, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे पास नहीं है, मैं करता हूँ। तो जब हम फिल्म बना रहे थे, तब रेनू उसकी वाइफ, वो शी वॉज माई एडिटर, तो रेनू सॉलिड कमिटमेंट होती है, वो शूटिंग में भी रहती थी। तो जब उसने देखा कि कुंदन बहुत परेशानी से गुजर रहा है, उसके पास कोई प्रोडक्शन में नहीं है ऐसे कोई संभाल सके, तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम इसका प्रोडक्शन करो। तो एक फिल्म डायरेक्शन करने के बाद भी, एक फिल्म का डायरेक्टर होने के बाद भी उन्होंने प्रोडक्शन किया था इस फिल्म का। एंड ही कंट्रोल्ड इट वेरी 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 स्ट्रिंजेंटली, वेरी वेरी वेल, इनफैक्ट स्ट्रिंजेंटली इज अ रॉन्ग वर्ड, कंट्रोल्ड बजट्स, एंड ही वाज अ ग्रेट प्रोड्यूसर इन द मेकिंग, व्हिच वी कैन सी दैट टुडे, यू नो। ये ना थिंग चाय वाय पे भी मतलब राशनी होती थी सब चीज पे, एवरीथिंग, राशनी मतलब क्या, हर चीज पे होती थी। यू नो द बेस्ट थिंग वाज दैट एवरीबॉडी वाज हंग्री टू डू गुड वर्क एंड एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू प्रूव, कितना भी झगड़ा हो एवरीबॉडी वांटेड टू गिव देयर बेस्ट। दैट टाइम नोबडी थॉट यू नो कि वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वी विल ट्राई बेस्ट। कोई पैसे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे। And Naseer saab was a star. पहले सिनेमा का पूरा वो चला था, उसमें नसीर एंड होम एंड नसीर एंड मेड अ बिग मार्क, होम एंड मेड अ बिग मार्क, यू नो। देयर वर मोमेंट्स व्हेन ही यूज्ड टू गेट एंग्री बिकॉज़ ऑफ सर्टेन इश्यूज एंड ऑल दैट। नेचुरली, क्योंकि नसीर साहब का एक पहले से है कि यार कोशिश कर रहे हो तो पूरा होमवर्क करके, पूरा ये करके, यू नो कि एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। उनके दिमाग में एक परफेक्ट फिल्म पहले होती है, लेकिन परफेक्ट फिल्म बनती है वैसा, ये फिल्म वैसी है। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट फिल्म सोचकर नहीं बना सकते, लेकिन ये फिल्म बनी। एंड दिस कुड ओनली हैपन बिकॉज ए पर्सन लाइक कुंदन
दो ही लुक्स वेरी यू नो सिंपल शाय एंड वेरी लेस दिस थिंग बट ऑन सेट्स ही इज लाइक व्हाट ही वांट्स इज लाइक अ टेरर ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज हाँ एंड ही हैड दैट ग्रेट सेंस समझे ना ये क्या कर रहा है यार बहुत लंबा खींच रहा है चल काट कर कट करो इसको जब जब फास्ट बोलो कि मतलब ही न्यू दैट क्या पेस होना है सीन का क्या चीज़ वो होना समझे ना In fact, this movie was supposed to be the debut vehicle for Anupam Kher, enacted a role called Disco Killer, which was edited out from the cuts. Yes. Actually, this was Anupam's first. सबको ये role करना. नसीर ने सबको Disco Killer का role करना था. बोला यार ये जबरदस्त role लिखा था वो. लेकिन क्या होता है ना फिल्म ऐसे जानी चाहिए वो ऐसे वो Disco Killer की वजह से ऐसे जाकर वो 10 मिनट का edited scene था. तो वो जब फिल्म हमको छोटी करनी थी तो वो. You don't have the footage of that. उसका इंट्रोडक्शन शूट नहीं हुआ था पर उसका किलिंग करने के लिए जाना कि मैं उसको हायर करने के लिए जाता हूँ वो सीन पूरा लिखा इट वॉज मतलब उस पे एक्चुअली बड़े ना सुन सुन के हमसे करके कि एक दो पिक्चर में सीन आ गए हैं वो असल में अच्छा? पिक्चर हाँ उसके अंदर ये था कि Disco Killer को हायर करने जाता है और वो अपनी दीवारों के ऊपर ना छेद बने हुए हैं और उसके अंदर वो शूट कर सकता है तो वो कहता है कि सर आपका क्या निशाना समझे ना कहता डैम इजी डांस करता हुआ जाता है खाली दीवार देखता शूट करता है ठंग होल बनता जाके चौक से उसको मार कर देता है और फिर अपने रेट्स बताता है वो कहता सर आपके रेट्स क्या होंगे कहता एक आदमी को मारने का इतना दो आदमी को मारने का इतना तीन को इतना और चोर और होली दिवाली पे मैं फेस्टिवल डिस्काउंट देता हूँ And Jaane Bhi Do Yaaro, the name came from a song that was written by Ranjit Kapoor. But that song was not used in the film. Oh, Gaakar bhi suna. बहुत अच्छा हाँ, वो बड़ा बड़ा अच्छा गाना लिखा था वहाँ से टाइटल. वो जब वो एक्चुअली डिसहार्टेंड हो जाते हैं ना. Jaane Bhi Do Yaaro, जो होता है हो जाने दो. Jaane Bhi Do. Jaane Bhi Do Yaaro, Jaane Bhi Do Darararararam. जाने भी दो यारो जाने भी दो यारो जाने भी दो जो होता है हो जाने दो ऐसे मतलब मैं गा कर जाता बट दिस इज रंजीत रंजीत हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ म्यूजिक एंड राइटिंग लिरिक्स यू नो आल्सो वेरी टैलेंटेड पसंद तो तब लिखा थिएटर ही बेसिकली फ्रॉम थिएटर तब वो गाना था फिर टाइटल रह गया गाना निकल गया मतलब शूट ही नहीं हुआ नहीं ये बट दैट सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड कोई उसमें बैठ नहीं रहा था दैट सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड नो लेकिन ये क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर है ये तो उन्होंने ये पूरा कंसीव किया था ये हाँ पर उसकी जगह और बिकॉज कुंदन वांटेड के वो सॉन्ग वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस बट वो जो हम होंगे कामयाब जो पूरी जो ट्यून आती है और जो दोनों चल के आ रहे हैं है ना और डिजेक्टेड वो एक्चुअली वहाँ पे वो गाने की सिचुएशन थी पर वो आई थिंक गाना होता तो शायद अच्छा नहीं लगता वो हम होंगे कामयाब एक्चुअली ज़्यादा हिटिंग था सर विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन And in fact, that famous Mahabharata scene, I think, which has become so, I think, you know, one of the finest, I think, scenes in maybe Hindi cinema, for that matter, Indian cinema. And uski, I think, reality ye hai ki that 400 feet of that that scene was exposed to light and there was some fog dust on that. Haan, haan. कुछ अभी भी है उसके अंदर कुछ शॉट्स हैं अभी भी कुछ ओमपुरी के एक दो शॉट्स के अंदर जो है ना क्या हुआ फॉग है दो चीज़ें हुई एक बार क्या था कि वो जो नसीर एग्जिट करते हैं और वो रवि के साथ एंट्री करते हैं वो विनोद के साथ वो जो दुशासन के साथ एग्जिट करते हैं और फिर रवि बासवानी दुशासन बनकर आ जाते हैं एक वो ऐसा है ना वो जो तो उसमें क्या था कि एक फ्लैट जो जो स्टेज का एक जो पोर्शन था जो सेटिंग था फ्लैट था वो मैंने कहा था कि एग्जिट करोगे फिर कैमरा लॉक कर देना पड़ता है हमको क्योंकि फिर वही कॉस्ट्यूम रवि पहनेगा वो करेगा फिर वो दोनों एंट्री लेंगे तो वो उसमें से थोड़ा हिल गया वो मैंने बताया था कि कोई भी उसको टच नहीं करेगा सेट पे तो फिर नसीर ने आके किसको बताया कि शायद मेरे से हिल गया है मैंने बोला छोड़ो हिल गया तो हिल गया लेकिन क्योंकि हमारे पास फुटेज नहीं रहता था जो होगा तो थोड़ा हिलता है अभी याद ऐसा होता है
दूसरा क्या हुआ कि किसने जो एक्सपोज होता है स्टॉक नेगेटिव, वो आप एक उसमें बंद करके रखते हैं डब्बे में, वो उसका उसका एक अलग तरीका रहता है, वो ब्लैक बैग वो सब, तो उनकी एक मार्किंग रहती है, तो बाय मिस्टेक एक एक्सपोज स्टॉक एक एस्ट्रन कैमरामैन से खुल गया, तो खुल गया तो वो क्या हो गया, इट गेट्स यू नो टोटली डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स एक्सपोज। अरे भाई तू क्षमा मांग, वरना धनुष बाण तेरे सीने को छिल्ली छिल्ली कर देगा। ओए तेरे धनुष बाण की ये ले 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 ले, 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 ले जा।